بسم الله الرحمن الرحيم हदीस पाक में आता है, रसूल पाक ने फरमाया, लोगो सूद से परहेज करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसको हराम करार दे दिया। यहां रसूल पाक ने फरमाया लोगो सूद से परहेज करो, ये नहीं फरमाया मुसलमानों, ये नहीं फरमाया ईसाइयों, ये नहीं फरमाया हिंदुओं। रसूल पाक ने फरमाया ए लोगो सूद से परहेज करो। क्या मालूम चला, ये वो अमल है कि रसूल पाक ने हर तबके को इसको खाने से मना फरमा दिया। कोई कहे मैं तो अल्लाह के रसूल पे ईमान नहीं लाया, खुदा की कसम वो सूद छोड़ेगा फायदा पाएगा। कोई कहे मैं अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानता, क्योंकि रसूल पाक ने जमी इंसान को खिताब फरमाया, जो इस अमल को छोड़ देगा इस अमल के फायदे को पाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया सूद नहीं खाता मांसवा जहन्नमी के, अगर जो सूद खाएगा उसका मुकद्दर जहन्नम बन जाएगा। हदीस पाक में आता है खुदा के रसूल नबी पाक सल्लम ने फरमाया बनी इसराइल में एक शख्स था जो सूद खाता था, खुदा के नबी ने मना किया खुदा से ना लड़ो। हदीस पाक में आता है मेरे नबी फरमाते जो सूद खाता है अल्लाह से लड़ने का ऐलान करता है।